38 में, और न्यूमेरिकल कोर्स भी हम कर रहे हैं इसका, आगे न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं और एक दो न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। अब हम न्यूमेरिकल ऐसे करते हैं कुछ जैसा डेरिवेशन अगर पोर्शन हमने कर लिए हैं उन्हीं का यूज करते हुए मैं आपको रिलेशन कैसे क्रिएट करने के लिए कहा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी दिए जा सकते हैं, खासकर कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे क्वेश्चन देखे नेक्स्ट हमें कि किसी प्रक्षेप्य का उद्यम काल तथा उसके क्षैतिज परास में निम्न समीकरण के द्वारा संबंध को दर्शाया गया है और प्रक्षेप्य का कोण ज्ञात कीजिए। संबंध क्या है? GT square is equal to 2R। संबंध क्या दे रखे हैं? GT square बराबर 2R। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे, केवल एक लाइन दे रखी है और हमें क्या पूछा गया है कि क्या कोण ज्ञात करो, हमें प्रक्षेप्य का कोण किस कोण पर फेंका गया है वो कोण हमें यानी थीटा का मान हमें बताना है। अब ऐसे देखें तो फिर कैसे करें इसको, लेकिन हमें दिखाई दे रहे हैं कि जब क्वेश्चन जैसे सोल्व करना उसके लिए हमें कंडीशन प्रॉपर दे दी जाएगी वही अप्लाई करनी है, तो उसी को सिंप्लीफाई करना है। डेरिवेशन प्रोसेस अगर सीख लेते हैं तो फिर यहाँ पर भी वही प्रोसेस अपने को अप्लाई करना है और सोल्व करते समय हम रिजल्ट में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैलकुलेशन करते देखो टी दे रखा है, टी आवर्तकाल है और आर दे रखा है, आर क्या है परास। आवर्तकाल क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, और परास क्या होता है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये दोनों मान रख दो कि हम जानते हैं कि आवर्तकाल t बराबर क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, और r क्या होता है? r क्या है? परास है। परास क्या होती है? u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, परास ही होती है। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करो? सिंप्लीफाई करो। क्या सिंप्लीफाई क्या करना है? अपने पास इक्वेशन है, ये इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो बाय इक्वेशन। फर्स्ट क्या करो? टी की जगह टी का मान दो, आर की जगह आर का मान दो, सिंप्लीफाई कर लो, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। तो जी एज इट इज टी की जगह मान रखेंगे 2u sin थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। आ गया, अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लो जी एज इट इज, ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर जी स्क्वायर। 2 यू स्क्वायर sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, पहले डेरिवेशन में लिखा था कि sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लें कि sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। वहां हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है फॉर्मूले में, इसलिए हम उसको इस तरह से लिख देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, क्या लिख सकते हैं? sin 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट धारण है, यहाँ sin 2 थीटा इधर लिख दे 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब देखो इसको सोल्व कर लो, ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब ये जी से एक जी ये कट गया, एक जी बचा, इस जी से ये जी कट गया, साइन स्क्वायर थीटा एक साइन से एक साइन ये कट गया, यहाँ क्या बचा 4, वैसे 4 भी कट रहा है 2 इंटू 2 की क्या है 4, और ये 4 इधर भी कट गया, यहाँ क्या बचा साइन थीटा, सब कट गया, इधर क्या बचा सब कट गया, क्या बचा कोस थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कोस थीटा को इधर ले आए देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1, और थीटा बराबर क्या आ गया कि टेन थीटा में एक अपराध है 45 डिग्री में, इसलिए टेन थीटा बराबर 1 को क्या लिख सकते हैं टेन 45। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेम होते हैं तो उनके साथ लिखे एंगल भी सेम होते हैं, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और दूसरी बात, यहां तक जब कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहां तक सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करें यही अपने को आंसर चाहिए ना, ऑप्शन है अपने पास सारे, अपने को आंसर टिक करना जल्दी से जल्दी समय
में बताने के लिए। तो क्या करें आप, तो क्या करें, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये देख लो थीटा का मान साइन और कोस में सेम कहां होता है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, एलएचएस बराबर आरएचएस दोनों बराबर है, तो कहां होता है, कहां होता है 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर इसका मान भी 1/√2 होता है और इसका मान भी 1/√2 होता है, ठीक है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं, थीटा का मान दोनों कहां बराबर होंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। तो जब वो कंपटीशन में आता है तो इतना सोल्व करने की आगे जाने की जरूरत नहीं है, जहां पे आंसर जीते हैं वहीं उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालो जिस तरीके से अपने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो खैर नहीं आते हैं, ग्यारहवीं की जो लोकल परीक्षा होती है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्तर का कंपटीशन हो, साइंस से संबंधित जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है उनमें इस तरह के क्वेश्चंस का काफी यूज होते हैं, और जो ग्यारहवीं से इनको सोल्व करने लग जाए तो उसके लिए बाद में बेस बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए जरूरत है इन चीजों को सीखने की। तो आप डेली बेसिस या टॉपिक ही खाली इनको नहीं रटा पा रहे, उनको समझे अच्छी तरह से कैसे वैल्यूज का यूज किया गया, कैसे वैल्यूज पुट की गई है, उसके अनुसार फिर आप भी आगे ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। एक बार आप महीने, दो महीने, तीन महीने, एक बार आपका फ्लो सही पड़ जाएगा तो आपको खुद को ये हैबिट हो जाएगी, खुद को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें, और जब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आप बुक के भी सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, अदर के भी सारे कर लेंगे, घर में कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उस बुक से भी लेकर जितने आपके चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है उनको भी आप सोल्व करके देख लेंगे, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इनसे बाहर सोल्व होगा। सारे जैसे प्रक्षेपण गति आ गई तो ये बेसिक है उसका, ये इसके अलावा कुछ भी बाहर कुछ नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। डिपेंड करता है कैलकुलेशन सब में थोड़ी थोड़ी अलग हो जाएगी, किसमें थोड़ा दार जल्दी सोल्व हो जाएगा, किसमें थोड़ा सा देर लग जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन इसको बिठा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वह उसे कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। अब ऐसे ये ट्रिकी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने सिंप्लीफाई कर रखे है, रिजल्ट निकाल रखे हैं, लेकिन आप इसको वैसे पूरा सिंप्लीफाई करें तो भी समीकरणों से सोल्व कर सकते हैं गति समीकरणों से, और दूसरा डायरेक्ट लिखिए तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं, इसलिए रिजल्ट अगर हमें ध्यान होंगे तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। क्षैतिज आपको दे रखा है, क्षैतिज दूरी, और क्या पूछा है कितनी ऊंचाई तक, क्षैतिज दूरी तक कितना फेंक सकता है वो 100 मीटर दूरी तक, तो आर मैक्सिमम तो आपको दे रखा है कितना फेंक सकता है 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है, वही व्यक्ति है वही पत्थर है उसको कितना ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, एच मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं पहले, अगर ध्यान है तो इनमें रिलेशन भी हम पहले कर चुके हैं, लिख चुके हैं बातों को, तो इनके रिजल्ट अगर ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी अपने पास। जब क्या रिजल्ट आता है, एच का रिजल्ट आता है, एच मैक्सिमम का क्या आता है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, आर मैक्सिमम क्या आता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी सॉरी हाँ सही ये आते हैं दोनों वैल्यूज। अब देखो इनमें आर मैक्सिमम मान कितना है, यू स्क्वायर अपॉन जी, और यहां भी क्या आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह क्या रख सकते हैं, आर मैक्सिमम, तो एस मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या आ गया, आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। तो सीधा सा हमने ये रिलेशन ही डेराइव किया था कि एच मैक्सिमम और आर मैक्सिमम के बीच में क्या संबंध होता है, अधिकतम ऊंचाई अधिकतम क्षैतिज दूरी की आधी होगी, तो अगर ये पता है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम कितना दे रखे हैं 100 बटे 2 कितना, बस हो गया एक ही लाइन, अगर 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है तो उसको कितनी दूरी तक फेंक सकता है, कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। अदरवाइज क्या करें, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है अपने पास कि आर मैक्सिमम सेकंड मेथड, अगर आपको ये रिलेशन ध्यान नहीं है तो फिर आप पूरा समीकरण अपने पास है ही वो सारी इनसे सोल्व कर सकते हैं।
जैसे अपने को आर मैक्सिमम दे रखे, आर मैक्सिमम किसके बराबर होता है, जी स्क्वायर अपॉन जी बराबर कितना होता है 100 मीटर होता है। जी का मान नियर अबाउट ले तो कितना रख सकते हैं 10 रख सकते हैं, जी का मान 10 रखेंगे, 10 इधर आगे गुणा हो गया तो यू स्क्वायर का मान कितना आ गया 100 × 10 बराबर 1000। हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी, ऊंचाई का मतलब दूरी, दूरी के लिए कौन सी समीकरण है, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी, अधिकतम ऊंचाई के लिए वी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, वी 0, ए बराबर क्या होता है कण ऊपर की तरफ जाता है तो ए बराबर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण तो नीचे काम करता है ए बराबर माइनस जी। अब ये वैल्यू किस में आती है, सारी वैल्यू बनती है तीसरी समीकरण में, जी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, वी स्क्वायर का मान 0, यू स्क्वायर का मान कितना 1000 माइनस 2, ए का मान कितना है माइनस 10 है क्योंकि ए बराबर क्या है माइनस जी है, तो कितना हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू एस का मान याद करना है वही तो चाहिए इसको इधर ले आओ 10 × 2 = 10 20 एस इज इक्वल टू कितना हो गया 1000, एस बराबर क्या आएगा 1000 मीटर, इसका भाग दे दो कितना आया 50 मीटर। अब देख लो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ऐसे करके देखते ये तो अपन ने समझने के लिए इतना लिख लिया, वरना जिसको पता है 20 ऊंचाई से आधी होती है तो क्या करना 100 देखा 100 का मतलब उत्तर कितना आएगा 50 है, अगर दूरी दे रखी है तो ऊंचाई दे रखी है और दूरी पूछ ले उल्टा पूछ ले तो डबल हो जाएगा, दोगुना कर देंगे, दोगुना कर देंगे तो अगर मान लो 20 मीटर वो ऊंचाई तक फेंक सकता है तो कितनी दूरी तक फेंक सकता है 40 मीटर तक, तो उनको 100 रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करके देखें, कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन और सोल्व कर लें, क्लासेस को आप देखते रहें, क्लासेस जो है वो शाम को 7:30 बजे रहती है लगभग, किसी दिन बाई चांस मिस हो जाती है तो बात करेंगे वरना रेगुलर लगभग रहती है, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं अपलोड की जाती है 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट इतनी रहती है, तो उनको आप समझें पहले खुद के नोट्स बनाएं लिख के देखें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं एक दो क्लास शायद और अपने इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर संख्या 5 शुरू करेंगे, ठीक है, तब तक आप रिवाइज कर लें इसको, थैंक यू।